नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 12 मार्च के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, डेली आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया? ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्रिटेन, सी यूएसए, डी भारत। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी ब्रिटेन। दोस्तों, अभी हाल ही में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक जी, उन्होंने यह इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है और ऐसा इसलिए उन्होंने किया क्योंकि कई सालों से वहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स की समस्या बनी हुई थी। वह इंग्लिश चैनल के माध्यम से छोटी बोट्स में जो है वहाँ पे आ पा रहे थे और उससे क्या होता था, उससे जो है जो ये इलीगल ट्रेड और जो कह सकते हैं कि जो स्मगलिंग वगैरह जो होती है समस्या, ये मेनली बनी हुई थी काफ़ी दिनों से और ये इसकी मांग भी हो रही थी ऐसा बिल कोई लाया जाए। तो इसीलिए ऐसा बिल लाया गया है। इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, अगर कोई भी इलीगल माइग्रेंट वहाँ एंटर करता है तो उनको उन्हीं के देश में डिपोर्ट कर दिया जाएगा, कुछ जो भी उनका प्रोटोकॉल होगा उसके अकॉर्डिंग। तो इससे दोस्तों जो ह्यूमन राइट के कुछ जो रिफ्यूजी मेनली जो यूएन की बॉडी है, उन्होंने इस बिल को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। दोस्तों, ये हुआ हमारा पहला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर है दोस्तों, माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी इंडोनेशिया, डी फिलीपींस। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया में अभी हाल ही में जो ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी है ये एरप्ट हुआ है, मतलब यह फूटा हुआ है और दोस्तों यह जो है एक एक्टिव, इंडोनेशिया का एक एक्टिव वॉल्केनो है। और दोस्तों यह जो है इसका जो अर्थ होता है, मेरापी का मतलब क्या होता है, मेरू मतलब पर्वत, आग मतलब होता है आग, मतलब आग का पर्वत भी इसको कहा जाता है। दोस्तों, यह जो है इंडोनेशिया में काफ़ी वॉल्केनोज और अर्थक्वेक आते रहते हैं क्योंकि दोस्तों यह रिंग ऑफ फायर, मतलब जो पैसिफिक ओशन का जो रिंग ऑफ फायर बेल्ट है वहाँ पर यह लाई करता है। वहाँ पर दोस्तों प्लेट मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो सबडक्शन जोन बन जाता है, तो जिससे क्या होता है प्लेट्स जो है काफ़ी वहाँ पर मूवमेंट उनका ज़्यादा होता है और इसीलिए वहाँ पर ज्वालामुखी ज़्यादा आता है। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अभी पिछले वर्ष 2022 के यूपीपीएससी की परीक्षा में कतरनिया घाट संबंधित प्रश्न आया था जिसे पूछा गया था कि यह किस सन में स्थापित किया गया था। दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर आप, 1975 में इसका स्थापना हुई थी। दोस्तों, यह जो है एक टाइगर रिजर्व भी है और दुधवा नेशनल पार्क जो है उसी के अंतर्गत भी जो है यह लाई करता है और 1987 में इसको जो है टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। और उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो बहराइच जिला है वहीं पर यह मेनली स्थित है और यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हमने इसको पहले भी देखा। दोस्तों, यहाँ पर अभी चर्चा में इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक विभिन्न प्रकार की प्रजाति पाई गई है तो इसलिए चर्चा में है। और यहाँ दोस्तों जो घड़ियाल है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है IUCN में, वो यहाँ पर मेनली पाई जाती है। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा किया गया है। दूसरा कथन है यह तीनों सेनाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी दोनों। दोस्तों, ALH मतलब क्या दोस्तों, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। दोस्तों, वाकई में एडवांस्ड काफ़ी है और यह चर्चा में पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है, उसके बाद देखेंगे इसके बारे में क्या है चर्चा। दोस्तों, इसीलिए क्योंकि अभी हाल ही में मुंबई कोस्ट के अराउंड जो है यह एक जो ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर यह क्रैश कर गया था, जिससे इसके प्रोडक्शन पे जो है रोक लगा दी सरकार ने। मतलब ये कहा है कि जब तक इसमें जो कमी है वह दूर नहीं होती तब तक इसका प्रोडक्शन नहीं होगा। दोस्तों, यह एडवांस, इसकी हम कुछ खासियत देख लेते हैं फिर हम बताएंगे क्या क्या है। देखिए दोस्तों, यह जो है अगर हम बात करें तो यह जो है ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन का हेलीकॉप्टर है और यह जो मतलब 5,800 किलोग्राम के आसपास वेट जो है लेकर उड़ सकता है और मतलब 590 किलोमीटर के तक के रेंज में यह जो है उड़ सकता है। और यह मतलब इसकी जो विशेषता हमने देखी और यह किसी कई वेरिएंट भी हैं, मतलब जैसे MK1, MK2, ऐसे चार वेरिएंट इसके अभी तक आए हुए हैं और तीनों सेनाओं द्वारा, मतलब कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स द्वारा इसको यूज़ किया जाता है और इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा भी इसको यूज़ किया जाता है। और भारत ने इसको कई देशों में एक्सपोर्ट भी किया है, जैसे कि बोलीविया, म्यांमार, इसराइल, मालदीव्स, नेपाल, तो इन कंट्रियों में भी भारत ने इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला करंट अफेयर है, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन किस रिफाइनरी से तेल बांग्लादेश पहुंचाएगा? ऑप्शन देख लीजिए आप,
ए नुबालीगढ़ रिफाइनरी, बी मुंबई रिफाइनरी, सी कोची रिफाइनरी और डी बीना रिफाइनरी। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए नुमालीगढ़ रिफाइनरी। दोस्तों नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है यह असम में है, ठीक है दोस्तों, लेकिन जो यह पाइपलाइन है यह मेनली जो है वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल का जो सिल्चर एरिया है यह, और जो बांग्लादेश में एक एरिया है प्रभातीपुर, तो वहाँ तक जो है मेनली यह पाइपलाइन बिछी हुई है। क्योंकि जो ये आपका ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी है उसका एक मार्केटिंग कह सकते हैं कि आम है वह जो सिलचर में मतलब स्थित है, तो वहीं से मेनली यह पाइपलाइन है, ठीक है दोस्तों। यह जो पाइपलाइन है मतलब इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, यह मेनली जो है 2018 में पहली बार साइन की गई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और मेनली इसमें जो भारत भारत डीजल जो है बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेगा, और इसका जो लेंथ अगर हम देख लें तो 131.5 है, मतलब जिसमें जिसमें 5 किलोमीटर तो इंडिया में है और 126.5 किलोमीटर जब बांग्लादेश में ट्रैवल मतलब इसके पूरा लेंथ है, ठीक है। और दोस्तों अभी हाल ही में दोनों जो मतलब इंडिया और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है कि इसका जो है उद्घाटन अभी हाल ही में किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हुआ आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।